इस मुकद्दस महीने की हुरमत और उसकी अजमत से कौन मुसलमान है जो नावाकिफ हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए साल भर के गुनाहों के कफारे का और दरजात की बुलंदी का जरिया बनाया है। नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर यह दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजान पा लें। तो वो महीना आने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की घटाएं बरसने वाली हैं, उसकी पहले से कुछ तैयारी करने की जरूरत है। रमजानुल मुबारक का महीना हर साल आता है और गुजर जाता है, लेकिन हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि इस रमजान के एक एक लम्हे से, उसकी एक एक साथ से सही फायदा उठाएं। क्योंकि आदमी गफलत की हालत में महीना शुरू कर देता है और बातें आज से कल पर और कल से परसों पर चलती चली जाती हैं, इसलिए इस बात की जरूरत है कि शुरू ही से, रमजान शुरू होने से पहले आदमी उसकी तैयारी करे। यह महीना यूं तो रोजों का महीना है, रात के वक्त में तरावीह इसमें सुन्नत मुअक्कदा करार दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा महीना दर हकीकत मुसलमानों को एक नई जिंदगी देने वाला महीना है। 11 महीने तक हम लोग अपनी दुनियावी मसरूफियात में लगे रहते हैं और उन मसरूफियात की वजह से बसा औकात हम पर गफलत तारी होती रहती है और अल्लाह जल्ला जलालुहू के साथ जो मजबूत ताल्लुक होना चाहिए था वो कमजोर पड़ जाता है। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना इस गरज के लिए बनाया है कि जो लोग साल के 11 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से दूर चले गए हैं उनको इस महीने में करीब लाया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की महब्बत, उसकी खशियत, उसका ताल्लुक उसमें इजाफा हो। और दरहकीकत ये महीना इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है कि अगर गौर से देखा जाए तो ये ट्रेनिंग कोर्स है जिससे हर मुसलमान को गुजारा जाता है। ये एक तरबियत का जमाना है, ये अपनी रूह को बालिदगी, अपनी रूह को ताजगी देने का महीना है। यह अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों को मुतवज्जह करने का महीना है। यह अल्लाह तबारक व ताला के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने का महीना है। यह इस बात का महीना है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचने की आदत डाले और उसकी तरबियत हासिल करे। रोजा बजाते खुद बहुत अजीम इबादत है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मकसद यह है कि इंसान को अपने नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने की आदत पड़े। इसीलिए कुरान करीम ने यह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोजे हमने तुम पर इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा किस चीज का नाम है? तकवा इसको कहते हैं कि आदमी के दिल में कोई गलत ख्वाहिश पैदा हो रही है, गलत जज्बा पैदा हो रहा है, दिल में
बुराई की उमंग पैदा हो रही है, बुराई का मैलान पैदा हो रहा है, लेकिन आदमी अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को, उसकी खशियत को, उसके जलाल को मद्देनजर रखकर अपनी उस ख्वाहिश को दबा दे, अपनी उस ख्वाहिश को कुचल दे, अल्लाह के लिए कुचल दे, इसका नाम है तकवा। कि दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं अपनी निगाह को गलत इस्तेमाल करूं और उसके जरिए कोई गुनाह की चीज देखूं, लेकिन आदमी ये सोचता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहा है, मेरी एक एक नकल व हरकत उसकी निगाह में है, और कल को मुझे अपनी एक एक नकल व हरकत का जवाब भी देना है। मन यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रे के बराबर भी अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे आखिरत में उसका जवाब देना होगा। ये सोचकर आदमी अपनी निगाह को रोक ले, दिल में झूठ बोलने का, गीबत करने का दाइया पैदा हो रहा है, मजलिस जमी हुई है और जमी हुई मजलिस में गीबत हो रही है और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी उसके अंदर कोई हिस्सा डालूं, लेकिन आदमी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को, उसकी खशियत को, उसके जलाल को दिल में लाकर अपने आप को उससे रोक ले, तो यह तकवा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, क्योंकि रोजे के जरिए तकवा की तरबियत दी जाती है। वो इस तरह कि हर मुसलमान जब रोजा रख लेता है और इरादा कर लिया कि आज मेरा रोजा है, जिसके माना यह कि मगरिब के वक्त तक मैं ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना अपनी जायज ख्वाहिशात जो बीवी के साथ पूरी करना हलाल होता है वो भी मैं नहीं करूंगा, ये इरादा इंसान ने कर लिया। जब रोजा रख लिया तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता कि जो भूख की शिद्दत की वजह से या प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ दे। भूख लगी हुई है, खाना मौजूद है, उसकी खुशबू आ रही है, उसको खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन चूंकि रोजा रख लिया है तो इस वजह से आदमी सोचता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, इस हालत में मैं खाना मेरे लिए जायज नहीं, सब्र करो, शाम तक सब्र करो, जब शाम होगी और यह खाना हलाल हो जाएगा फिर खाऊंगा। तो ये जो इंसान अपनी भूख की ख्वाहिश को रोक रहा है, इसलिए रोक रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा हुआ है, और रोजा तोड़ना बहुत सख्त गुनाह है, उसका कफारा भी बहुत जबरदस्त है, इस वास्ते आदमी रुक गया बावजूद भूख होने के। गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और हल्क में कांटे पड़े हुए हैं, सामने ठंडा पानी मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं, उसके बावजूद कोई मुसलमान उस भूख, उस प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ने पर आमादा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि शायद अगर किसी मुसलमान को लाखों रुपए की पेशकश कर दी जाए कि तुम ये लाख रुपए देंगे और रोजा तोड़ दो, तो भी कोई मुसलमान गवारा नहीं करेगा कि मैं रोजा तोड़ दूं। ये चीज जो उसको खाने से रोक रही है, पीने से रोक रही है, ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के अजमत व जलाल और अल्लाह तबारक व ताला की खैसियत, उसके हुक्म का एहतराम, ये चीज है जो उसको इन ख्वाहिशात पर अमल करने से रोक रही है। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि रोजा हमने इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम्हारे अंदर ये तकवा की तरबियत हासिल हो तुम्हें, कि जिस तरह तुमने शदीद भूख की वजह से रोजा खाना छोड़ दिया था, बावजूद शदीद भूख के तुमने रोजे की वजह से खाना छोड़ दिया था, बावजूद शदीद प्यास के तुमने रोजे की वजह से अल्लाह तबारक व ताला की खातिर पीना छोड़ दिया था, पानी पीना छोड़ दिया था, इसी तरह हर गुनाह का हाल है कि तकाजा तो
आम हालात में भी गुनाह का होता है, दिल में शौक भी पैदा होता है, उमंग भी आती है और दिल में जोर से तकाजा भी पैदा होता है, दाइया भी पैदा होता है, दिल मचलता है किसी गुनाह के करने के लिए। लेकिन जिस तरह तुम रोजे के अंदर उस ख्वाहिश को हमारे लिए मेरे लिए दबा देते हो, कुचल देते हो और गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते, इसी तरह यह आदत तुम्हें पड़नी चाहिए अपनी आम जिंदगी के अंदर भी। कि आम जिंदगी में भी जब तुम्हारा दिल किसी गुनाह के लिए मचले तो तुम उसको अल्लाह की खातिर उसको दबा दो और उस पर अमल करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, तकवा की जिंदगी गुजारो। इसलिए हमने ये रोजे फर्ज किए हैं तुम्हारे जिम्मे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रमजान का महीना ये एक तरबियत का कोर्स है जिससे हर मुसलमान को गुजारा जा रहा है। तो इस तरबियत के कोर्स से सही फायदा उठाने के लिए ये बात जरूरी है कि हम पहले से उसकी तैयारी करें। तैयारी क्या करें? तैयारी ये करें कि साल के 11 महीने हम इस तरह गुजारते हैं कि हमारे सुबह शाम के ज्यादा औकात दुनियावी कामों में गुजरते हैं, पैसा कमाने में, तिजारत में, मुलाजमत में, जरात में, खेतीबाड़ी में और अपने लिए रोजगार की तलाश में और अपने लिए अपनी जिस्मानी लज्जतें हासिल करने की फिक्र में इस काम के लिए इस काम में गुजरते हैं ज्यादातर औकात। और अगर कोई आदमी फ़राइज़ शरिया का पाबंद भी हो तो जरा इस बात का तनासुब देखो कि 24 घंटों में से कितना वक्त वो इबादत करता है। अगर 5 नमाजें भी पढ़ता हो पाबंदी से तो सारी 5 नमाजें मिलाकर मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटा उसका इबादत में सर्व होता है, वो भी इस तरह के दिल कहीं और दिमाग कहीं अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने का जो खुशू का तकाजा है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि चक्की चल रही है दिमाग के ऊपर दुनियावी मशगलों की। इस वास्ते नमाज में भी आकर खड़े हुए तो अल्लाह अकबर जरूर कह दिया और नियत जरूर बांध ली, लेकिन दिमाग चल रहा है दुनिया के उन मशागिल की तरफ जिनको छोड़कर आए थे और जिनकी तरफ दोबारा वापस जाएंगे। तो घंटा डेढ़ घंटा मुश्किल से इबादत में गुजरता है और बाकी सारे 22-23 घंटे वो अपने इस जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए, अपने इस जिस्म को लज्जत देने के लिए और इसके लिए ग़िज़ा फराहम करने की खातिर ये सारा वक्त गुजारते हैं हम 11 महीने में। तो ये रमजान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता फरमाया कि इस महीने को के अंदर अपने इबादतों की मकदार बढ़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के लिए इबादतों की मकदार बढ़ा दो और दुनियावी मसरूफियात की तादाद कम कर दो। आम सारे 11 महीने से तुम अपने जिस्म को पाल रहे हो, जिस्म को पाल रहे हो, इसी के लिए खाना है, इसी के लिए पीना है, इसी के लिए सारी तगो दौ है। और यह महीना हमने तुम्हें इसलिए दिया है कि इसमें अपनी रूह की परवरिश करो, रूहानी तरक्की हासिल करो, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करो, इस गरज के लिए हमने यह महीना भेजा है। तो इसी वास्ते खाने पीने की मकदार कम हो गई रोजा रखकर, रात के वक्त में तरावी 20 रकतें अल्लाह तबारक व ताला ने सुन्नत करार दे दी कि 20 रकतें तुम्हें अदा करो। तो आम दिनों के अंदर जितनी नमाज पढ़ते थे घंटा डेढ़ घंटे की तो सारी मिलाकर वो एक तरावी की नमाज में उतना वक्त अदा हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला का मकसूद बंदों से यह है कि वो इस महीने की कदर करके इसमें अपने जिस्म के तकाजों को कम करें
और रूह के तकाजों को गालिब करें, वो काम ज्यादा करें जो उनकी रूह को नशोनामा देने वाला हो, उसको परवान चढ़ाने वाला हो। लिहाजा इसमें मसरूफियात, दुनियावी मसरूफियात कम से कम की जाए, जितनी कम कर सकता हो कोई शख्स वो कम कर ले। अगर अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत और अपने दूसरे रोजगार के काम हैं वो जरूरी हैं, जितनी जरूरत है बस उस हद तक उसको रखें, और बाकी औकात को फजूलियात में गुजारने के बजाय बाकी औकात को दूसरे मशागिल के अंदर गुजारने के बजाय ये ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए उनको मखसूस किया जाए। तो पहले से मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आदमी पहले से ये अपने जिंदगी का कुछ निजाम इस तरह बनाए कि रमजान के महीने में मेरी दूसरी मसरूफियात कम हो जाए, लोगों से मेलजोल की भी जरूरत नहीं, सारा महीना सारा साल पड़ा हुआ है मेलजोल करने के लिए, सारा साल पड़ा हुआ है दोस्तियां बिगाड़ने के लिए और अजीज व अकारिब से मुलाकात के लिए, इन दिनों में मेलजोल कम करें, इन दिनों में दोस्तियों का और मजलिसे आराई का जो मशगला है उसको तर्क करें और अपनी जो जाती जिम्मेदारियां और मसरूफियात हैं उनको जिस हद तक कम कर सकते हो वो कम करके ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए मखसूस करें।